नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का सब नॉलेज यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ अमित तांबे और आज हम जानेंगे बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है और बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होता है या वायरस। और वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया और वायरस में काफ़ी अंतर होता है, इनकी बनावट, इनके काम करने का ढंग और अपनी संख्या बढ़ाने के तरीके में भी काफ़ी अंतर होता है और इन दोनों की वजह से इंसान काफ़ी बीमार पड़ सकता है। दोस्तों बैक्टीरिया की तुलना में वायरस का साइज़ काफ़ी कम होता है। दोस्तों बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है जबकि वायरस को आसानी से देखा नहीं जा सकता। वायरस को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अगर बात की जाए बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया एक कोशिका वाले जीव या जीवाणु होते हैं और ये करीब करीब लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, जानवर और इंसानों में भी ये पाए जाते हैं। जब बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसका आकार किसी छड़ या किसी गोलाकार स्प्रिंग की तरह दिखता है और जब इन्हें फ्रेंडली या अनुकूलित एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ये अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगते हैं। बता दें कि बैक्टीरिया से TB, फूड पॉइजनिंग और UTI जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होते और काफ़ी कम ऐसे बैक्टीरियास होते हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि कुछ बैक्टीरियास तो ऐसे होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि आंतों में जो बैक्टीरियास होते हैं वो खाने को पचाने और उसे अवशोषित करने में मदद करते हैं। साथ ही में दही और छाछ जैसी चीज़ें हमें बैक्टीरिया की वजह से ही मिल पाती है। साथ ही आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किसी होस्ट कोशिका की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बाहरी एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं। वही अगर बात की जाए वायरस की तो वायरस पर लिविंग यानी कि पैरासाइट होते हैं और ये बिना किसी होस्ट कोशिका के जिंदा नहीं रह पाते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जीव या किसी दूसरी कोशिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। जब ये किसी इंसान या किसी जानवर तक पहुंच जाते हैं तो ये अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगते हैं और उनके शरीर में फैल जाते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। और आपको बता दो कि ज़्यादातर वायरस इंसानों में बीमारियों का कारण बनते हैं, यानी कि ज़्यादातर वायरस खतरनाक होते हैं। दोस्तों वायरस किसी दूसरे जीव की कोशिका में जाकर अपने जैसे वायरस बनाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं और इस दौरान वो कोशिका यानी सेल्स में मौजूद तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस, एड्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी वायरस की वजह से ही होती है। बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक्स लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन वायरस का इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स लेने से ठीक नहीं होता है। वायरस में कुछ वैक्सीन और कुछ एंटीवायरल दवाएँ काम करती है और वैक्सीन का टीका लगवाने से वायरस के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। वैक्सीन हमारे शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडी वायरस को ख़त्म कर देती है, लेकिन ज़्यादातर वायरस की वजह से होने वाली बीमारी अपने आप ही ठीक हो सकती है। वैसे एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लेने से बैक्टीरियास का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, लेकिन समस्या ये है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से बैक्टीरिया ने खुद में कुछ चेंजेस करके बचाव करना सीख लिया है। साथ ही एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे लिए जो बैक्टीरियास अच्छे होते हैं वो भी मर जाते हैं और इस वजह से हमारे बॉडी में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों का बीमारी फैलाने का तरीका लगभग एक जैसा होता है, जैसे कि छींक, खांसी, किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलना या उसे छूना या फिर किसी और संक्रमित चीज़ को छूना। दोस्तों कुछ खास तरह के वायरस को नष्ट करने के लिए कुछ खास तरह की दवाइयाँ बनाई गई है, लेकिन ये दवाइयाँ सभी तरह के वायरसेस को नष्ट नहीं कर पाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।